मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल तथा राज्य मंत्री वी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी से उनके कार्यालय श्रम शक्ति भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल शक्ति मंत्री को केन बेतवा परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। सीएम डॉक्टर यादव ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का अनुरोध भी किया। बैठक में प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री श्रीमान सीआर पाटिल जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे दो बड़े नदी जोड़ो अभियान के बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है, एक केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसका हम माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय पाटिल साहब के माध्यम से भी निवेदन किया कि ये टेंडर की स्थिति में है। इसके माध्यम से यूपी और मध्य प्रदेश के, खासकर बुंदेलखंड के, लगभग 10 से 15 जिलों में बहुत लाभ मिलेगा। ये हमारा बहुत पानी की दरकार वाला इलाका है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रोजेक्ट में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ी और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने प्रत्यक्ष मुलाकात में भी उनको निमंत्रण दिया और उन्हें सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी। आने वाले समय में इसकी तारीख निश्चित करके 1-2 महीने में हम इसका भूमि पूजन करेंगे। एक और प्रोजेक्ट हमारा जो पश्चिम मध्य प्रदेश के बहुत काम का है, जिसमें राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसको पीकेसी योजना के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय में प्रस्ताव है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके लगभग 13 जिलों का लाभ इसमें मिलेगा। और इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे मोटे 2-3-4 मुद्दे हैं जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के अधिकारी लेवल पर हल करेंगे। मुख्यमंत्री लेवल पर हम इसमें 4 बैठक कर चुके हैं और कोशिश करेंगे ये बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी लागू हो, जिसके कारण से क्षेत्र के जिलों को लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी, और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के ऐसे सारे विषयों को लेकर के लगातार गंभीर भी है, और खासकर खेती किसानी के क्षेत्र के माध्यम से न केवल यहाँ विकास होगा बल्कि आगे बढ़ करके हमारे और अन्य अन्य क्षेत्र में, जैसे टूरिज्म का, एजुकेशन का, ऐसे कई सेक्टर जिसमें इसका लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे अच्छे प्रस्ताव के लिए सबको